बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम अलाइड स्कूल सुपीरियर बेरी कैंपस लाहौर, क्लास 5, इंग्लिश, यूनिट 6, पेज नंबर इज 28। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रायथलीट, इट मींस तीन खेलों का खिलाड़ी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ इट। यूनिट 6, लेसन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इन पेयर्स Take turns to ask and answer the questions. Use a tick to show your partner answer. There is a table with different columns. In first column, you have to enter your name or your partner name. There are some questions. How much fruit do you eat in a month? आगे इसके डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, अलॉट, क्वाइट अलॉट, वेरी लिटिल, वेरी फ्यू, नन। आप कितना फ्रूट एक मंथ में खाते हो, आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस को टिक मार्क करना है। अब आपको पता है आपके पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते हैं फ्रूट्स खाने के लिए, टीचर्स भी कहते हैं, आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी कि फ्रूट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से जितना फूड आप मंथ में खाते हो उसको ऑप्शंस को आपने फिल करना है। नंबर 2, हाउ मच फिश डू यू ईट इन अ मंथ। दो क्वेश्चंस को एज अ सैम्पल मैंने फिल कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे ये ऑप्शन वो आपने टिक मार्क कर देनी है। हाउ मच ब्रेड डू यू ईट इन अ मंथ, आप एक मंथ में ब्रेड कितनी खाते हो। How many sweets do you eat in a month? How many nuts and seeds do you eat in a month? How many soft drinks do you drink in a month? How many packets of chips do you eat in a month? How many pizzas do you eat in a month? I hope you understand this question. Now come to the question number 3. Read and circle the correct word. Listen and check your answer. यहाँ पे इस शॉर्ट पैराग्राफ में आपके पास दो ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से जो करेक्ट है उसको आपने टिक मार्क करना है, उसको हाईलाइट करना है। वाइन ट्रेन्स 5 days अ वीक फॉर द ट्रायथलॉन, सो ही नीड्स टू ईट केयरफुली। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लिटिल टी। फर्स्ट ऑप्शन में अलॉट है but very little tea. He eats a lot of vegetables but very little chocolate. He doesn't watch much TV, usually only after training. One is training very hard these days, so he doesn't have much free time. Today he is cooking fried rice. This gives him a lot of energy for his training. Okay, highlight the correct options. Come to the question number 4. Study these prefixes for numbers. Find the words in the dictionary on page 121-128 and write them on the right line in your notebook. Yahan pe hamare paas 4 blanks hain aur hame नीचे कुछ वर्ड बैंक दिया हुआ है, उनमें से चूज करके वर्ड्स को ब्लैंक्स में फिल करना है। यूनिमीन 1, हमने यहाँ पे जितने भी नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से 1 वाले वर्ड्स को लेके ब्लैंक्स में लिखना है। यूनिकॉर्न, नेक्स्ट वन इज यूनिसाइकिल, नंबर 2 बाईसाइकिल, बाइलिंगुअल, नंबर 3 ट्राइंगल, ट्राईसाइकल, ट्राइथलॉन, नंबर 4 क्वैड बाइक, एंड देयर इज ओनली 1 क्वैड बाइक। राइट डाउन दिस ब्लैंक्स फ्रॉम देयर वर्ड बैंक। नाउ कम टू द पेज नंबर 29, यूनिट 6, लेसन नंबर 2, वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स अल्फाज। चूज दीज करेक्ट फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स फॉर दी सर्वे क्वेश्चंस।
यहाँ पे एक सर्वे दिया गया है आपकी फैमिली के बारे में, आपने उसको फिल करना है। नेम आप अपना एंटर करेंगे, हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, वर्ब्स की फॉर्म्स दी गई है मेक, डू एंड वॉश। देर इज एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वॉट वी हैव टू डू। हु मेक्स द मोस्ट फोन कॉल्स, हु डज द मोस्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे आपने अपने फैमिली मेंबर्स में से जो ज्यादा एक्सरसाइज करता है उनका नेम लिखना है, उनका रिलेशन लिखना है, मदर, सिस्टर, ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, जो भी आपके फैमिली में ज्यादा एक्सरसाइज करता है आपने उसके यहाँ पे मेंशन करना है। हु मेक्स मोस्ट ऑफ द कुकिंग, हु मेक्स द मोस्ट नॉइज, हु डज most of the shopping, who washes the dishes most of the time, who does the ironing, who makes the beds, who makes the most mess। write down their form of the verbs। this is the end of our lecture। Allah Hafiz।